हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JCB बाइकों में। तो दोस्तों, आज हम ए टू जेड आपको मशीन सिखाने वाला हूँ, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और सारे कुछ फुल जानकारी देने वाला हूँ, क्या क्या सिस्टम है, कितने लीवर हैं और कितने गियर है, कैसे चलती है आगे कैसे पीछे चलती है, सारा कुछ आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, एक भाई हमारे आए हैं, ये बगल की मशीन पे रहते हैं और इनको कुछ भी अभी जानकारी नहीं हुआ है, 10-15 रोज हुआ है अभी। तो दोस्तों, इनको ही हम आप बताएंगे, और आप लोगों को भी देखना है और सीखना है तो इन्हीं भाई को हम पूरा डिटेल में आप ए टू जेड बताने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ कि कौन सा लीवर है, कौन सा कितने गियर है, सारा कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों, मशीन स्टार्ट करके ही बताऊंगा मैं। तो दोस्तों, हमारी मशीन स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई, मशीन स्टार्ट करने से पहले आपको ये रिवर्स फॉरवर्ड की डंडी को देख लेना है कि ये अगर आगे की तरफ लगा है तब भी आपकी मशीन नहीं स्टार्ट होगी, पीछे की तरफ लगा रहेगा तब भी मशीन आपकी स्टार्ट नहीं होगी। और ये देख सकते हो, ये न्यूट्रल है, बीच में अगर रहेगा तो न्यूट्रल, इसको अगर जब भी आप आगे पीछे लगाएंगे तो इसको धीरे से उठाना है थोड़ा सा, उसके बाद आगे करना है और थोड़ा सा उठाना है, पीछे करना है, मतलब इसको जब भी लगाना है तो दोस्तों इसको उठा के ही लगाना है। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, हम लोडर का लीवर है इसके बारे में, इसमें चार फंक्शन है, इसमें चार हैं, ऊपर पीछे खींचोगे तो ऊपर उठेगा लोडर, और आगे की तरफ इसको करोगे तो लोडर नीचे जाएगा, और इसको दाहिने तरफ करोगे तो लोडर खुलेगा, और बाएं तरफ करोगे तो लोडर का मुंह बंद होगा। तो भाई देख सकते हो, इसको मैं पीछे जब खींचूंगा तो आपका लोडर ऊपर उठेगा, अभी ऊपर उठ रहा है, और इसको आगे की तरफ करूंगा तो नीचे की तरफ डाउन होगा, लोडर नीचे जाएगा, और पीछे खींचूंगा तो ऊपर उठेगा, आगे करूंगा तो लोडर नीचे जाएगा। और उसके बाद अगर इधर दाहिने तरफ करूंगा, इसको दाहिने तरफ करूंगा तो ये आपका लोडर खुलेगा, ऐसे खुलेगा, और इसको बाई तरफ अपने तरफ इसको खींचूंगा तो ये लोडर का मुंह बंद होगा। देख सकते हो, अभी तो ये समझ गए होंगे आप कि आगे करेंगे तो नीचे डाउन होगा, और पीछे खींचेंगे तो ऊपर उठेगा, और इधर साइड करेंगे दाहिने साइड तो खुलेगा, और बाएं साइड करेंगे तो बंद होगा। तो इसको समझ गए होंगे। उसके बाद इसके ठीक सामने ये देख सकते हो, ये लीवर जो ये मेन गियर है, ये इसमें चार गियर है। तो दोस्तों, जब भी आप इसको चलाएंगे तो दो नंबर लगा होना चाहिए, तभी यहाँ से आप रिवर्स फॉरवर्ड आगे पीछे कर सकते हो। तो दो में लगा हो, तीन में लगा हो, चार में भी आगे पीछे होगी, आगे भी जाएगी और पीछे भी जाएगी। तो ये मेन गियर है, ये लगा रहेगा तभी आपकी मशीन आगे पीछे जाएगी, ये न्यूट्रल रहेगा तो आपकी मशीन आगे पीछे नहीं जाएगी। तो इसके बाद दोस्तों, इधर आरपीएम मीटर है, ये देख सकते हो, ये आरपीएम मीटर है, और इसके ठीक बगल में इधर देख सकते हो, ये हाथ का रेस है, ये पीछे का बकेट चलाने के लिए आपको दिया है, इसको जितना पे आप चाहें 1400-1500 पे करके चला सकते हैं। तो ये पीछे का बकेट चलाने के लिए एक्सीलेटर है। और उसके बाद दोस्तों, ये ऊपर तीन स्विच मिलता है इसमें, और ये नीचे पांच स्विच मिलता है। तो इनका क्या 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 काम है तो सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्त, सिंगल करेंगे तो दो लाइटें जलेंगी, इसको डबल प्रेस करेंगे तो चार लाइटें जलेंगी पीछे की केबिन की ऊपर। और दोस्तों, ये जो देख सकते हो, ये जो स्विच है, ये आगे की केबिन की लाइटें हैं जो ऊपर लगी हैं यहाँ कोने में, एक इधर लगी है एक इधर लगी है। तो ये केबिन की लाइटें के लिए हो गई, ये दोनों पीछे का और आगे का। और ये जो दोस्तों है, ये पार्किंग लाइट है, जैसे कहीं मशीन खड़ा करके अंधेरे में, और आप मशीन को लॉक करके आप कहीं अंधेरे में दूर जाना है, थोड़ी दूर जाना है, तो ये
30 से 40 सेकेंड तक इसको अगर एक बार प्रेस करके छोड़ देंगे, मशीन लॉक करके चले जाएंगे, तो सारी लाइटें जलेंगी और ऑटोमेटिक 30-40 सेकेंड के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, सारी लाइटें अपने आप बंद हो जाएंगी। और इसके बाद नीचे देख सकते हो दोस्तों, ये है SMS का स्विच, ये SMS का स्विच है। और इसके बाद दोस्तों अगर इसको SMS स्विच को अगर थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो आपके मालिक के पास में SMS चला जाएगा कि मशीन में कोई दिक्कत है या कोई बात है, तो आपको मालिक कांटेक्ट कर सकता है। इसके बाद ये देख दोस्तों देख सकते हो, ये है आपका KPC का स्विच, जिसको KPC को जैसे कहीं अगर नाली की खुदाई कर रहे हैं, जगह कम है तो KPC को शिफ्ट करने के लिए ये दिया हुआ है। इसको अगर इसको एक बार प्रेस कर देंगे, आपका KPC इधर उधर बकेट से खींच के एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद ये है दोस्तों ट्रिप मीटर को, जैसे आप देख सकते हो 00 दिखा रहा है, अगर कहीं घंटे पे काम कर रहे हैं तो ट्रिप करके आप देख सकते हैं कि हाँ हम इस जगह पे कितने घंटे काम किए हैं, उसके लिए है ये ट्रिप का। और ये है दोस्तों ऑटो स्टॉप स्विच, जो कि मशीन को ऑटोमेटिक बंद कर देता है। तो दोस्तों ये अगर ऑन रहेगा तो आपकी मशीन सीट से उतरेंगे तो कुछ मिनटों के बाद से आपकी मशीन बंद हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी ये जो दोस्तों है कि अगर आप मशीन चला रहे हैं तो अगर पीछे का बकेट चला रहे हैं तो ये खरगोश और कछुआ, अगर खरगोश पे करके अगर चलाएंगे तो देख सकते हो कितना RPM जा रहा है, ये 1700-1750 RPM जा रहा है। और दोस्तों अगर इसको आप बंद कर देंगे तो ये 1450 ही रह जाएगा। अभी देखना, ये देख सकते हो 1400 RPM में ये बंद है तो 1400 RPM तक ही जाएगा ये आपका एक्सीलेटर। तो इसके बारे में भी समझ गए होंगे दोस्तों सारे कुछ स्विचों के बारे में। और आगे के स्विचों के बारे में दोस्तों मैं बता देता हूँ, तो देख सकते हो ये है जो दोस्तों 4x4 मशीन है, तो PS4 मॉडल। तो दोस्तों इसमें जो है कि ये 4 wheel के लिए है, इसको ऑन कर दोगे तो ये 4 wheel में चलने लग जाएगी। ये है दोस्तों आपका मेन हेडलाइट, ये इधर साइड है, एक इधर साइड है, तो ये हेडलाइट के लिए है। और दोस्तों इसके बाद से ये है इंडिकेटर के लिए, चारों एक साथ जलते हैं, जैसे कहीं मशीन खड़ी है या धुंध में चला रहे हैं तो ये चारों आपके इंडिकेटर लाइट जलेंगे। और इसके बाद ये ठीक बगल में देख सकते हो, ये है दोस्तों आपका जैसे रोड पे आप चला रहे हैं तो इसको ऑफ रखेंगे तो आपका लोडर स्लो उठता है, इससे अगर हाई जैसे लोडर का काम कर रहे हैं फास्ट करना है तो आप इसको ऑन कर लीजिए तो आपका लोडर बिल्कुल फास्ट अप डाउन उठेगा, नीचे और गिरेगा। तो ये लोडर के लिए स्विच है, तो इसके बारे में भी समझ गए होंगे दोस्तों। और ये दोस्तों देख सकते हो ये डंडी है, इस डंडी में दोस्तों आपका अपर डिपर लाइट है, जैसे अपर लाइट है और इधर साइड खींचेंगे तो आपका दाहिने साइड का इंडिकेटर जलेगा और आगे की तरफ करेंगे तो बाएं साइड का इंडिकेटर जलेगा। इसमें इंडिकेटर है और डिपर है और उसके बाद वाइपर है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे देख सकते हो ये वाइपर है, ये वाइपर के लिए है। इसमें दो मोड दे रखा है, फर्स्ट और सेकेंड, जैसे एक नंबर की स्पीड में भी इसको चला सकते हैं, 2 नंबर के स्पीड में भी चला सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद इधर देख सकते हो ये जो है, ये जो लीवर देख रहे हो ये दोस्तों, ये हैंड ब्रेक है, इसका काम बहुत कम यूज होता है, ये ज़्यादा इसका जरूरत नहीं पड़ता है आपको हैंड ब्रेक लगाने का। तो दोस्तों तो इसके बारे में सारे समझ गए होंगे। और इधर देख सकते हो ये पैर का एक्सीलेटर हो गया, और इधर दोनों ये साइड दोनों ब्रेक है दोनों, और ये पैर का एक्सीलेटर है। तो दोस्तों उसके बाद पीछे के तरफ आप देख सकते हो 2 लीवर ये दे रखा है बूम बकेट के चलाने के लिए आपको, और दो लीवर जो ये नीचे दे रखा है छोटे छोटे से, ये दोनों साइड के स्टेबलाइजर के लिए, एक इधर और एक इधर है। तो देख सकते हो दोनों स्टेबलाइजर के लिए ये दोनों लीवर है, और ये दोनों लीवर बूम बकेट चलाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप जब भी इसको बकेट को छेड़ेंगे तो इसको आप स्टेबलाइजर को दोनों को बराबर उठा लेंगे मशीन ऊपर। दोनों लीवर में 4 फंक्शन है, इसमें 4 है और इसमें 4 है, दोनों में मिला के 8 फंक्शन है। और दोस्तों और उसके बाद
इसमें जो है दो है, नीचे एक तरफ दाबेंगे तो आपका मशीन ऊपर उठेगा और इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो आपका स्टेबलाइजर ऊपर उठ जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो चार्ज सिस्टम है, इसमें आपका जो है ये देख सकते हो, इसमें जो है आपका इस लीवर में ये डीपर जो आधे में से, इसको डीपर बोलते हैं, ये डीपर ऊपर का ऊपर जाएगा आगे की तरफ करेंगे तो, और नीचे की तरफ करेंगे तो नीचे की तरफ डाउन होगा। पहले तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि ये काम कहाँ कहाँ करता है। इसमें चार बोल्ट लगे हैं, दो इधर लगे हैं बोल्ट, देख सकते हो एलंकी बोल्ट लगे हैं, दो इधर लगे हैं, दो इधर लगे हैं, तो चार बोल्ट इसमें लगे हैं, ये बोल्टों पे ही काम करता है। तो जो इस बोल्ट पे आपका डिपर, ये डिपर डाउन नीचे की तरफ आएगा और इस बोल्ट पे करेंगे तो आपका डिपर ऊपर उठेगा, और इधर वाले दोस्तों बोल्ट पे करेंगे आप जो इस साइड बोल्ट है तो आपका बकेट खुलेगा, और इस साइड बोल्ट पे करेंगे तो आपका बकेट बंद होगा। तो इसमें चार समझ गए होंगे, ये डिपर डाउन और डिपर अप, और उसके बाद बकेट खोलना और बकेट बंद करना। तो इसमें चार समझ गए आप, चार फंक्शन हैं कि चारों बोल्ट पे काम करते हैं। इस बोल्ट पे आपका डिपर डाउन होगा, और इस बोल्ट पे आपका डिपर उठेगा, और इस बोल्ट पे आपका बकेट खुलेगा, और इस बोल्ट पे आपका बकेट बंद होगा। उसके बाद दोस्तों इसमें भी सेम चार है, इसमें है दोस्तों इस बोल्ट, इसमें भी ठीक चार बोल्ट लगे हैं, दो इधर दो उधर। तो इस वाले बोल्ट पे दोस्तों ये स्विंग होता है दाहिने तरफ, देख सकते हो दाहिने तरफ स्विंग होगा, और इस वाले बोल्ट पे दोस्तों करोगे तो ठीक इधर वाले सामने वाला, इधर और इधर, इधर वाला बोल्ट पे करोगे तो इधर बाएं तरफ स्विंग होगा, और दोस्तों इस वाला बोल्ट पे करोगे तो आपका बूम ऊपर उठेगा, और इस वाला बोल्ट पे करेंगे आप तो बूम ये डाउन जाएगा, इस वाले पे उठेगा, और इस वाले बोल्ट पे डाउन होगा, और इस वाले बोल्ट पे दाहिने तरफ स्विंग होगा, और इस वाले बोल्ट पे जो इधर साइड बोल्ट है इस साइड करेंगे तो ये बाएं तरफ स्विंग होगा। तो दोस्तों इसको अगर पहले इसको लीवर को समझना है, जितने भी नए हमारे भाई हैं सीखने वाले, तो सबसे पहले तो भाई लीवरों के बारे में समझना है कि लीवर को, लीवर में कौन से फंक्शन कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अगर ये समझ जाएंगे कि हाँ बूम हमारा यहाँ ऊपर उठ, बूम हमारा यहाँ ऊपर उठ रहा है, बूम यहाँ डाउन हो रहा है, बकेट इससे खुल रहा है, बकेट इससे बंद हो रहा है, डिपर इससे उठ रहा है, डिपर डाउन हो रहा है, तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है लीवरों के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले लीवर समझ जाएंगे तो दोस्तों आपके लिए मशीन चलाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ऑपरेटर चाहे तो भाई अगर ये लीवर चलाना समझ गए हैं तो आपको ऑपरेटर हाथ पकड़ के भी बता सकता है, सिखा सकता है, अनुभव करा सकता है कि लीवर कैसे कैसे काम करता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।